और बिल्लाह शैतान बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आलू गोभी का सालन, जो कि हर घर में पकता है। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो पहले देख लेते हैं। 1 किलो लिया मैंने गोभी, जिसको मैंने काट के रख लिया है। आधा किलो मैंने लिए है आलू, जिसको इस तरह मैंने पीसीज में काट के रखा है। 1 अदद मैंने लिया प्याज, थोड़ा सा मैंने लिया धनिया, 3 इंच का टुकड़ा अदरक का, और 4 से 5 अदद मैंने लिए सब्ज मिर्चें, कुछ लिए मैंने लहसुन की जगह, 1 लिया मैंने टमाटर, हसबे ज़रूरत मैंने लिया ऑयल, और जो मसाले इसमें डलेंगे वो देख लेते हैं। 1 चम्मच मैंने लिया नमक, आधा चम्मच मैंने लिया सुरख मिर्च, आधा चम्मच मैंने लिया दड़ा मिर्च, आधा चम्मच मैंने लिया हल्दी, 1 चम्मच मैंने लिया गरम मसाला, 1 चम्मच भर के मैंने लिया कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच मैंने लिया जीरा, और 5 से 6 अदद मैंने लिए हैं काली मिर्चें। पानी लिया हसबे ज़रूरत, जिसमें गोभी अच्छे से गल जाए उतना पानी हम डाल लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल, ऑयल में हम ऐड करेंगे प्याज, ऑयल में हम प्याज ऐड कर देंगे जो हमने काट के रखा हुआ है, इसको क्रश किया है हमने। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक इसको भूनना, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये देखें हमारा जो प्याज था ना वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदर टमाटर जो हमने काट के लिया है, मिक्स कर लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह भून लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अदरक सब्ज मिर्च और लहसुन डाला था, अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले नमक, काली मिर्चें, सुरख मिर्चें, हल्दी, और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जितनी अच्छी तरह आपका मसाला भुना होगा उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। तो कोशिश करेंगे मसाले को अच्छी तरह भूनें। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना और अच्छी तरह भुन जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे तरह तरीके से भुन चुका है, ये देखें आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे गोभी, फिर हम ऐड कर देंगे आलू, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम गोभी को इस मसाले में भूनेंगे। ये हमारी गोभी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, उतना पानी इस्तेमाल करना है जिसमें आलू और गोभी अच्छे से गल जाएं। इसमें पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको लगा देंगे प्रेशर,
वेड़े लगा देंगे 5 मिनट के लिए, फिर चेक करते हैं। ये 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। तो चलिए हम प्रेशर कुकर को खोलते हैं। तो ये हमारी गोभी जो है अच्छी तरह गल चुकी है, अब हम प्रेशर की जो फ्लेम है उसको ऑन करते हैं और बाकी मसाला जात उसमें ऐड करते हैं। तो ये मैंने चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने बाकी मसाला जात, गरम मसाला, सूखा धनिया और जीरा, ये तीनों चीज़ें इसमें हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे सब्ज़ धनिया जो हमने पानी में भगो के रखा हुआ है। अगर इसको काट के पानी में भगो लिया जाए तो ये ब्लैक नहीं होता। हम इसमें ऐड कर देंगे सारा धनिया अपना। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे, कवर कर देंगे इसको, उसके बाद चेक करते हैं। ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सालन के ऊपर ऑयल आ रहा है नज़र, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं, इसको सर्व करते हैं। तो ये हमारा आलू गोभी का सालन बन के तैयार है। आप इसको इस तरीके से बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, आपको और आपकी फैमिली को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो इसके साथ ही ये व्लॉग राजता को दें इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।